हेलो गाइस, वेलकम टू जीमंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे ब्लैक विडो से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, बात करेंगे दी इंटरनल्स के बारे में, बात करेंगे हल्क और स्पाइडरमैन से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक विडो के विलेन के बारे में। तो काफी लोगों को कंफ्यूजन था कि ब्लैक विडो की जो अभी हाल ही में सेट फुटेज आई है वो उसमें टास्क मास्टर को देख रहे हैं, और मैं भी ये कह रहा हूँ कि वो कैरेक्टर टास्क मास्टर है, पर हो सकता है, जो कि मेरे मन में एक डाउट है। तो सबसे पहले सेट फुटेज को देखते हैं। तो यहाँ पर एक बंदा पूरा एक कॉस्ट्यूम पहनकर पावर रेंजर टाइप का एक टैंक में जा रहा है और वो किसी को मार रहा है, तो 100% वो ब्लैक विडो के पीछे पड़ा हुआ है। पर अगर ध्यान से देखें जो उसका कॉस्ट्यूम है और जो उसका हेलमेट है वो टास्क मास्टर से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। ये कैरेक्टर मार्वल का एक विलेन है जिसका नाम है ब्लू हॉक, जिसे डार्क हॉक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बिल्कुल सूट सेम खाता है, बिल्कुल आप खुद ही देख सकते हो। और देन ये इमेजेस मैं अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। शायद अगर ये ब्लू हॉक या डार्क हॉक नहीं निकला तो टास्क मास्टर होगा, क्योंकि इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि मार्वल फैंस को टास्क मास्टर देखने को मिल रहा है। तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ टास्क मास्टर के पास, पर क्या पता ये ब्लू हॉक भी निकले। अब बात करते हैं दी इंटरनल्स के बारे में। तो फाइनली दी इंटरनल्स में नई कास्ट करी गई है जिनका नाम है सेल्मा। तो सेल्मा ऑलरेडी काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है और वो सबसे बड़ी मूवी में काम कर चुकी है जिसका नाम है हिटमैन बॉडीगार्ड। इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आ रहा है, जो कि वो ऑलरेडी सैमुअल जैक्सन और रैन के साथ काम कर चुकी हैं, जो कि सैमुअल जैक्सन की बीवी का रोल प्ले कर रहा था। तो सेल्मा काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है और वो दी इंटरनल्स में ज्वाइन कर चुकी हैं। अब किसका रोल प्ले करेंगी अभी ये कुछ कन्फर्म नहीं है, ना ही कुछ ऐसा रिवील्ड हुआ है, पर सेल्मा इज़ द बेस्ट, तो मेरे हिसाब से परफेक्ट है। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। तो टॉम हॉलैंड ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में चीज रिवील करी कि उनको डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ टीम अप करना है, और फिर उन्होंने रिवील करा कि उन्हें हल्क के साथ भी टीम अप करना है। तो जी हाँ, मेरे को एक चीज याद आ जाती है, दी अल्टीमेट स्पाइडरमैन। अगर आपने ये टीवी सीरीज देखी है तो आपको वो वाला एपिसोड याद होगा जिसमें कि हल्क और स्पाइडरमैन एक मिशन को सॉल्व करते हैं और कैसे एक साथ काम करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फनी सीन होता है, फिर हल्क स्पाइडरमैन के घर चला जाता है। तो मैं तो कहूँगा अगर ऐसा कुछ होता है रियल लाइफ में, लाइव एक्शन मूवी में, तो काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आता तो लाइक में शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।